नहीं बाई नेट गेन डायरेक्ट फिटनेस का नहीं होता डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट होता दोनों टाइप का नेट गेन होते डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को जोड़ देते तब हम नेट गेन देखते तो केवल ये बोल रहा है डायरेक्ट गेन का है डायरेक्ट फिटनेस है तो, तो ये गलत बोल रहा है ठीक है इट इज अंडर पॉजिटिव सिलेक्शन हाँ ये पॉजिटिव सिलेक्शन में जाएगा क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कम्युनिटी की सर्वाइवेलिटी बढ़ेगी है ना क्योंकि यहाँ एक अपने आपको एक अपने आप को नेगेटिव इफेक्ट डाल के दूसरे को प्रॉफिट पहुंचा रहे हैं ठीक है थीके? तो यहाँ पॉजिटिव इफेक्ट जाएगा सिलेक्शन में जाएगा ठीक है सी थर्ड क्या बोला इट जनरेट डायरेक्ट फिटनेस बाय द इनहेंसिंग सर्वाइवल ऑफ किन हाँ ये इनडायरेक्ट बेनिफिट देता है मैंने बोला कि ये नेट गेन क्या होता है डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या आता है जो किन्स होते हैं जो रिलेटिव होते हैं उनको प्रॉफिट पहुंचाना ठीक और उससे क्या होगा सोसाइटी में मतलब गे, नेट गेन देखने को मिलेगा मतलब नेट गेन क्या होगा डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट दोनों में लाके होगा फोर्थ क्या बोल रहा है इट इज फेवर्ड आर बी माइनस सी इज ग्रेटर देन जी है ना हम क्या देखते हैं आर इज ग्रेटर देन सी है ना ये तो देखते हैं अगर हम इसे सेट वो करेंगे तो यही आंसर है ना आर माइनस सी इज ग्रेटर देन जीरो वेयर सी इज अ फिटनेस कॉस्ट ये कॉस्ट है आर क्या है रिलेशनशिप कोफिशियंट और बी क्या है बेनिफिट है ये तो पता ही होगा सभी को तो फोर्थ भी सही जा रहा है तो केवल केवल एक ही ऑप्शन गलत आ रहा है वो भी इनकरेक्ट पूछा दैट्स वाई यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ठीक है फर्स्ट ऑप्शन